हेलो गाइस, मैं प्रेम सागर टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी के स्वागत करता हूं। लेके आया हूं दिन भर के टेक्निकल से जुड़ी सारी खबरें, गर्मा गर्म और धमाल और कमाल करने वाली खबरों को लेकर, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव खबरें हैं। जो आप चाहते हैं खबरों में दोस्तों, वही आपको खबरें दी जाती है इस चैनल पर। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज का टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं। वही दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है ओप्पो फाइंड एक्स को लेकर, ओप्पो फाइंड एक्स टू को लेकर। दोस्तों ओप्पो फाइंड एक्स टू की दोस्तों कीमत हो चुकी है लीक। कल दोस्तों इसके अमेजन साइट पर देखा गया है। वही दोस्तों इसकी लगता है कल गलती से, शायद अमेजन वालों ने दोस्तों गलती से कर सकते हैं, वीवो वालों ने गलती से इसकी जो साइट पर अपलोड कर दिया था, उसके वजह से दोस्तों इसकी लीक जो है कीमत हो गई है लीक। और उसकी दोस्तों फीचर तो ऑलरेडी लीक थी और इसके फीचर भी साथ में शामिल हो गया है लीक होने के साथ। तो दोस्तों इसकी लगाया पता चल रहा है कि जो कीमत होने वाली है 12 GB और कर सकते हैं 12 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज, 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाले फोन की कीमत हो सकती है शायद दोस्तों 69,990 रुपए कीमत शायद लीक पता चल रहा है। ये दोस्तों आपको कीमत पूरी तरह लीक हुई थी ये दोस्तों अमेजोन साइट पर। तो दोस्तों ये कंफर्म कीमत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इसको कह सकता हूँ शायद इसकी शुरुआत हो सकती है, इसकी बेस वेरियंट हो सकती है दोस्तों, या हाइएस्ट वेरियंट हो सकती है। दोनों में से एक वेरियंट की कीमत रखी जा सकती है, जो की कीमत होती है 69,990 रुपए। ये ओप्पो फाइंड एक्स टू की कीमत हो सकती है। चलिए दोस्तों हम ओप्पो फाइंड एक्स टू को तो ऐसे भी 1 तारीख को क्लियर हो ही जाएगा, जब 1 जून को इसका रिलीज लॉन्च किया जाएगा। तो इसके साथ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। दोस्तों अगली खबर निकल रही है वीवो के X50 Pro को लेकर। दोस्तों इस बजाय एक जानकारी निकल रही है इस X50 Pro की तरफ से, जो की दोस्तों इसके डिस्प्ले को लेकर है और इसके कैमरा को लेकर है। जहां तक दोस्तों इसकी बताया जा रही है X50 Pro की जो डिस्प्ले है 1900 डिस्प्ले होने वाली है। ऐसे दोस्तों इसकी फोन की कीमत इसमें बताई जा रही है। वही है दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसकी कैमरा को लेकर। तो दोस्तों कैमरा बात करते हैं, इस कैमरा में 48 मेगापिक्सल का पास्केल से लेस होगा इस कैमरा, जो है दोस्तों पास्केल स्टाइलिश में कैमरा दिया जाने की उम्मीद है। यही कुछ ऐसे ही दोस्तों सामने आ रही है इसकी लीक। वही दोस्तों फोन लॉन्च होने पर पता तो चली जाएगा। वही दोस्तों हम बात करते हैं इससे कलर वेरिएंट को लेकर। तो दोस्तों हम बात करते हैं X50 Pro के लेकर। तो X50 दो वेरिएंट में देखे जाने वाले हैं। दोनों ही कलर दोस्तों दो नीले कलर में देखे जा रहे हैं। वही हम बात करें X50 को लेकर, तो इसमें X50 को दोस्तों इसमें देखा जा रहा है कलर पिंक कलर का। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों जब ये फोन लॉन्च हो गया तो क्या क्या यही कलर आने वाले हैं, क्या यही तरीका यही स्पेसिफिकेशन आने वाले हैं। तो दोस्तों लॉन्च होने के बाद पूरी डिटेल्स में पता चली जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल गया दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 9 को लेकर। दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 9 की तरफ से दोस्तों ट्विटर पर दोस्तों एक टीजर जारी कर दिया है। टीजर जारी करते हैं दोस्तों इससे पता चल रहा है कि इन्फिनिक्स अपने इन्फिनिक्स हॉट 9 को बहुत ही जल्द इसे भारत में लॉन्च करने की जानकारी दे रहा है इस तरीके से। वही दोस्तों हम बताए इन्फिनिक्स हॉट जो है पिछले साल लॉन्च हुए इन्फिनिक्स हॉट 8 का अपग्रेड वर्जन हो सकता है, ऐसी बताई जानकारी मिली है। और बात करते हैं दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 9 को लेकर, इन्फिनिक्स हॉट 9 दोस्तों ऑलरेडी इंडोनेशिया में इसे लॉन्च किया जा चुका है। उसी कीमत के आसपास इसे भी यहां भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। खैर देखने वाली बात होगी भारत में कब होगा, ये सटीक तारीख तो मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द इसे लॉन्च हो जाने की उम्मीद बताई जा रही है। चलिए दोस्तों इसके साथ हम अगले अपडेट के बारे में बढ़ते हैं। वही दोस्तों अगली अपडेट निकल रही है वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो की तरफ से यह अपडेट निकल कर आ रही है कि वीवो का अगला जो 5G स्मार्टफोन होने वाला है वीवो Y70s हो सकता है। ऐसे में दोस्तों एक स्पीकर या दोस्तों एक लीक निकल कर सामने आ रही है। जब आप लोग पता होगा जब X30 की जब लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है, तो उसमें दोस्तों एक पता चला है कि वीवो अपना वाई सीरीज में एक और बढ़ावा कर सकता है, जो कि वाई सीरीज में 5G स्मार्टफोन हो सकता है Y70s। खैर देखने वाली बात होगी दोस्तों ये फोन होता है कि लॉन्च नहीं होता है। खैर ये तो दोस्तों लीक में पता चला गया कंफर्म वीवो का जो नेक्स्ट स्मार्टफोन 5G होने वाला है यही फोन होने वाला है, लेकिन दोस्तों इसे कब तक में लॉन्च किया जाएगा ऐसी कोई जानकारी लेकर अभी सामने नहीं आए। कोई भी जानकारी आती है तो मैं इन्फॉर्मेशन आपसे जरूर शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों हम अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगली अपडेट निकल के रही है आपके चाहते स्मार्टफोन को लेकर, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max को लेकर। इसकी फ्लैश सेल को लेकर लगातार कमेंट्स तो पूछे ही जाते हैं और उसकी जानकारी भी सामने बहुत ही शेयर की जाती है हमारे तरफ से। तो दोस्तों आप लोग बता दो रेडमी नोट 9 प्रो की, तो आप लोग बताया कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 26 मई को अब इसकी नेक्स्ट फ्लैश सेल लगने वाला। वही दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की बात करें तो दोस्तों ये एक लीक सामने निकल के आ रही है कि इसको 27 मई को इसकी भी सेल लगने वाली है। खैर आप लोग बताइएगा दोस्तों
Redmi Note 9 Pro या Redmi Note 9 Pro Max, इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन पसंद करते हैं और खरीदना चाहते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा इन दोनों को डेडिकेटेड हिडन फीचर्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों हम अपने अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। वही अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों टिकटॉक को लेकर। दोस्तों टिकटॉक की रेटिंग आप लोग सभी आप लोग समझ रहे हैं टिकटॉक को लेकर कितनी बवाल मचा है इस समय। टिकटॉक बैन करने का इन इंडिया में बैन करने का मुहिम चल रही है। ऐसे में दोस्तों बता दूं कि लगातार टिकटॉक की जो है इसकी रेटिंग को गिराई जा रही है। वही दोस्तों कल इसकी रेटिंग को इंक्रीज देखने को मिला है, 1.6 रेटिंग हो चुका था। वही दोस्तों आज भी यही रेटिंग देखने को मिली है, 1.6 रेटिंग ही टिकटॉक की ने घटी है न बड़ी है। खैर आप लोग बताइएगा टिकटॉक को कितना पसंद करते हैं या दोस्तों टिकटॉक पे बैन होना चाहिए इंडिया में, नहीं होना चाहिए। लगातार मैं पूछता हूँ, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों आज थी ये दिन भर की टेक्निकल से जुड़ी सारी खबरें। बताइएगा आज की खबरों में से कौन सी खबर आपको अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और कौन सी खबर से दोस्तों आपको अच्छी जानकारी नहीं मिली अभी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।